हमने देखा था कि पिछले वीडियो में मंकी गोकू, मंकी वेजिटा, गोकू और वेजिटा नए टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करते हैं। सब जानते थे कि ये नई टूर्नामेंट ऑफ पावर मंकी गोकू की वजह से हो रहा है, इसलिए सारे यूनिवर्स मिल करके यूनिवर्स 7 को टारगेट करते हैं। बट यूनिवर्स 7 के वॉरियर काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट में ही ज्यादातर वॉरियर को हरा देते हैं और यूनिवर्स 2 सबसे पहले एलिमिनेट हो जाती है। और उसके बाद काफी सारी यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाती है और एरिना में सिर्फ जीरन, टोपो, यूनिवर्स 1, 5, 8, 12 के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और यूनिवर्स 7 के चारों वॉरियर बचे होते हैं और मंकी गोकू और मंकी वेजिटा यूनिवर्स 1, 5, 8, 12 के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ने चले जाते हैं और गोकू और वेजिटा जीरन और टोपो से लड़ने के लिए आ जाते हैं और जीरन और टोपो अपनी पावर बढ़ाने लग जाते हैं। वहीं पे मंकी गोकू और मंकी वेजिटा उन वॉरियर से लड़ने लग जाते हैं। मंकी गोकू यूनिवर्स 1 और 5 से और मंकी वेजिटा यूनिवर्स 8 और 12 के वॉरियर से लड़ने का डिसाइड करते हैं। मंकी गोकू कहता है कि पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में इन चारों यूनिवर्स के वॉरियर ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि इनकी एवरेज पावर मॉर्टल से काफी ज्यादा थी। इस पर मंकी वेजिटा कहता है कि मुझे हमेशा से इन चारों यूनिवर्स के टॉप वॉरियर से लड़ना था। वेजिटा और गोकू कहते हैं कि काश हम इनसे लड़ पाते, चलो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। वेजिटा, अगर ये दोनों हार गए तो फिर हम इन चारों से लड़ेंगे। ये सारी बातें सुनकर जीरन और टोपो को काफी गुस्सा आ जाता है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सभी ने इन्हें कम्प्लीट इग्नोर कर दिया था। ये देखकर जीरन डायरेक्ट गोकू पे अटैक करता है, बट गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर सुपर रिफ्लेक्सेस की वजह से उस अटैक को इजीली डॉच कर देता है। बट वो ये देखकर पूरा सरप्राइज रह जाता है कि उसके पीछे की जमीन में क्रैक पड़ गया था। वो जमीन 2 टुकड़ों में बट चुका था और काफी चट्टाने टूट गई थी जीरन की पावर से। और जीरन ने जो मुक्का हवा में मारा था उसका एयर प्रेशर इतना था, वो पंच कितना ताकतवर होगा ये सोचकर गोकू कहता है, तुम जैसे प्राउड वॉरियर को ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए जीरन, ये तुम पे सूट नहीं करता है। जीरन इस पर कहता है कि लड़ाई में तुम डिस्ट्रैक्ट हुए थे और ये तुम्हारी गलती है। इस पर गोकू कहता है ओके फाइन, अब मैं तुम पे पूरा फोकस करूंगा। और जीरन गोकू को पंच मारने के लिए आ रहा होता है, बट सभी को ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गोकू डॉज करने के बजाय अपनी पंच जीरन के पंच से टकरा देता है और इन दोनों के पंच के टकराने से काफी तगड़ी शॉक वेव जनरेट हुई थी। गोकू कहता है कि मैं अपने आप को पूरे टाइम होल्ड बैक कर रहा था, बट अगर तुम लोग अपनी लिमिट को पुश करोगे तो मैं भी अपनी पावर को पुश करूंगा। ये सुनकर जीरन शॉक हो जाता है और एक पंच मारता है, बट वो पंच पहले से भी पावरफुल होता है, बट गोकू उसे इजिली डॉच कर देता है। वेजिटा जो ये सब देख रहा था वो कहता है कि ये काफी इंप्रेसिव है कि जीरन इतने कम टाइम में इतना ग्रो हो चुका है, कि हमारे रियलिटी में भी जीरन इतना पावरफुल होगा। वेजिटा ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके तरफ एक एनर्जी स्फीयर आता है। वेजिटा इसको इजिली डॉच कर देता है और टोपो वहाँ पे आके कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम अपना ध्यान ना भटकाओ वरना तुम हार जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम हारने पे कोई बहाना बनाओ। इस पर वेजिटा कहता है तुम बस किसी के चेले हो और एक कचड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये बात वेजिटा हंसते हुए कहता है। ये बात सुनकर टोपो काफी गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पे एक एनर्जी पंच मारने जा रहा होता है, बट वेजिटा उसे सिंगल हैंडेड रोक लेता है और वेजिटा उसे एक पावरफुल पंच मारता है और टोपो को घुटने पर लड़ा देता है। ये देखकर वेजिटा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइट शुरू होने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे टोपो। और एक तगड़ा पंच मारता है वेजिटा और वो पंच लगते ही हवा में टोपो उड़ने लग जाता है और टोपो सोचता है मैं ऐसे नहीं हार सकता हूँ। टोपो खुद को अर्थ पर लैंड करता है जैसे तैसे और वेजिटा आ ही रहा होता है, बट टोपो अपनी रिंग उतार देता है और काफी ज्यादा अब वो डिस्ट्रॉयर एनर्जी रिलीज करने लगता है और वो वेजिटा पे एक पावरफुल अटैक करता है, बट वेजिटा उसे इजिली डॉच कर देता है। बट वो सरप्राइजली रह जाता है कि टोपो ने अपनी एक तगड़ी जंप से वेजिटा के पीछे आ जाता है और एक तगड़ा पंच मार देता है और वेजिटा ग्राउंड पे गिर जाता है। बट वेजिटा स्माइल करता है और कहता है टोपो तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आखिर वो भी मेरी तरह डिस्ट्रॉयर की एनर्जी को यूज कर सकता है। और वेजिटा उड़ जाता है और ये देखकर टोपो कहता है मैंने अभी ही सोचा था कि मैंने वेजिटा को सरपास कर दिया। इस पर वेजिटा कहता है इसमें तुम्हें काफी टाइम लगेगा टोपो, तुम मेरे बराबर अभी तक नहीं पहुंचे हो। और वेजिटा टोपो को फिर से एक पंच मारता है और टोपो हवा में उड़ जाता है। वेजिटा कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ टोपो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है।
इधर हम मंकी गोकू को देखते हैं और वो कहता है कि गोकू और वेजिटा काफी अच्छा कर रहे हैं, बट जीरन और टोपो ने हमें सरपास करने के लिए काफी मेहनत करी है। वहीं पे हम देखते हैं कि मंकी गोकू के पीछे काफी सारे एनर्जी बॉल आ रहे थे, बट मंकी गोकू उसे इजिली डॉच कर देता है और वो रिंग के एंड में जाके टकरा जाता है और काफी बड़ा धमाका होता है। और इससे हम देख सकते हैं कि वो एनर्जी स्फीयर काफी पावरफुल होते हैं। वहीं पे यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 5 के वॉरियर मंकी गोकू के सामने आ जाता है। ये देखकर मंकी गोकू कहता है कि मैं तुम जैसे वॉरियर से ही लड़ना चाहता था, तुम लोग क्या खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? यह सुनकर वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और यूनिवर्स 1 का वॉरियर बतलाते हैं और कहते हैं, मेरा नाम औरा है और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ सकता हूँ। और यूनिवर्स 5 का वॉरियर कहता है, मेरा नाम औरान है और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं औरान द 1000 के नाम से जाना जाता हूँ। मैंने अपने यूनिवर्स में 1000 डीमन की आर्मी को रोका था। ये सुनकर मंकी गोकू कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की इज्जत करता हूँ। वही यूनिवर्स 1 का वॉरियर कहता है कि औरा के टेक्निक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और वही यूनिवर्स 5 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि ये अपने वॉरियर का सबसे अच्छा असैसिन है। और मंकी गोकू को इस बात का पछतावा होगा कि उसने ये टूर्नामेंट ऑफ पावर की डिमांड ज़ेनोसामा से क्यों करी, वो जरूर हारेगा इसके सामने। इधर हम यूनिवर्स 8 के वॉरियर का देखते हैं जिसका नाम पिंपल होता है और यूनिवर्स 12 का वॉरियर का नाम औरान होता है। और यूनिवर्स 8 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि पिंपल के पास कुछ ऐसी टेक्निक है जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी दिक्कत दे सकती है। इस पर यूनिवर्स 12 के गॉड कहते हैं कि आप अपने वॉरियर को हाइप अप करना बंद कर दीजिए, हम सब जानते हैं मेरा वॉरियर एक लौता वॉरियर है जो कि हकाई का भी मुकाबला कर सकता है। वही हम देखते हैं मंकी वेजिटा दिक्कत में था, वो एक हिट देता है एक वॉरियर को तो दूसरा वॉरियर उस पर अटैक करता है। और इस पैटर्न से मंकी वेजिटा परेशान हो गया था, उसे बार बार अटैक पड़ रहे थे, उसे बचने का मौका ही नहीं मिल रहा था, लोग उसे टारगेट करके मार रहे थे। और मंकी वेजिटा कहता है कि अब ये सब बंद करना होगा, बट तभी यूनिवर्स 8 का वॉरियर उस पर एक पावरफुल किक से अटैक करता है और मंकी वेजिटा हवा में उड़ जाता है। बट वो अपना ब्लू ऑरा काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा था और वेजिटा कहता है कि काफ़ी हुआ, मैं एक ही अटैक में उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। और वेजिटा अपने अटैक को लॉन्च करने ही वाला होता है कि यूनिवर्स 8 का वॉरियर आता है और उसके हाथ को छूकर उसका एनर्जी गायब हो जाता है। मंकी वेजिटा ये देखकर पूरा शॉक हो जाता है, बट यूनिवर्स 8 का वॉरियर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है और वेजिटा उसे इजिली डॉच कर देता है। बट वेजिटा देखता है कि अर्थ से टकरा कर बहुत ही ज़्यादा काफ़ी स्मोक क्रिएट कर दिया था और वेजिटा सेंस कर लेता है कि ये पॉइजनस है और सतर्क हो जाता है। यूनिवर्स 12 का वॉरियर बोलता है कि तुमने काफ़ी जल्दी सेंस कर लिया, मैं तुमसे काफ़ी इंप्रेस हूँ, बट ये गैस कुछ मीटर के रेडियस में स्प्रेड हो जाएगी और मुझे मेरी पावर पे काफ़ी अच्छा कमांड है, इसलिए मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इससे कौन अफेक्ट होगा और कौन नहीं। हम देखते हैं कि मंकी वेजिटा काफ़ी मुश्किल कंडीशन में है, बट हम मंकी गोकू को देखते हैं वो फाइट कर ही रहा होता है कि यूनिवर्स 5 के वॉरियर उसे किक मारते हैं और वो हवा में उड़ जाता है। बट मंकी गोकू पे हवा में कोई अटैक ना करे इसलिए वो अपने अटैक लॉन्च कर देता है फौरन। बट तभी यूनिवर्स 1 के वॉरियर सारी रे को एब्जॉर्व कर लेती है और गोकू घुटनों के बल लैंड करता है और उसे काफ़ी दर्द होता है। बट वो कहता है कि इन दोनों के साथ फाइट इंटरेस्टिंग हो रही है। वही हम गोकू और जीरन को देखते हैं, गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से इजिली जीरन के अटैक को डॉच कर रहा था और उसकी अटैक को प्रेडिक्ट करने का काबिलियत भी काफ़ी अच्छी दिखा रहा था गोकू। इसके मदद से गोकू जीरन के सारे अटैक के डायरेक्शन पहले ही जान लेता था और उनसे बच जाता था। वहीं पे हम देखते हैं जीरन कंटिन्यू अपनी पावर अप कर रहा था और उसकी की बढ़ रही थी और जीरन अब काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट लग रहा था गोकू को हिट करने के लिए, बट वो कर नहीं पा रहा था। और अब उसकी की इतनी बढ़ गई थी, जीरन ने अपनी स्पीड भी काफ़ी बढ़ा ली थी और उसके मसल भी बढ़ रहे थे और वहाँ पे सारे वॉरियर इजिली फील कर पा रहे थे। वहीं पे गोकू टोटल फ्लेक्स कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जीरन पेपस है। वही ये देखकर जीरन कह रहा कि मैंने सोचा नहीं था कि मंकी गोकू के अलावा कोई इमोर्टल मेरे वॉर से इतनी इजिली बच पाएगा। इस पर गोकू कहता है, ये सब मैंने कुछ डिकेड पहले ही किया था, वो भी अपने टाइमलाइन अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में। मैंने अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन को हरा चुका हूँ पहले ही। जीरन को कुछ नहीं समझ में आता है और वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है, बट गोकू को एक ओपनिंग दिखती है और वो जीरन को एक पंच मारता है और जीरन खून की उल्टी कर देता है। बट जीरन रुकता नहीं है और वो कंटिन्यू और ताकत से अटैक करने लग जाता है।
गोकू ये देखकर शॉक तो होता है बट इम्प्रेस भी होता है कि जिरन में बहुत ही जिद है और बहुत ही जुनून है और वो पागल है इस लड़ाई के लिए। और गोकू भी अब काउंटर अटैक करने लग जाता है और गोकू और जिरन के पंच से पावरफुल शॉक वेव जनरेट हो रहे हैं जिससे पूरा एरिना हिल रहा था।